आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, आज से हम एक 3 एपिसोड की विशेष श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में दाजी हमें हार्टफुलनेस अभ्यास के मूल स्तंभों का अनुभव करवाएंगे। हार्टफुलनेस एक हृदय पर आधारित जीवन शैली है जिसका लाभ हर कोई उठा सकता है। आज दाजी हमें अनुभव करवाएंगे प्राणाहुति के साथ ध्यान का। प्राणाहुति एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा है जिसका उपयोग हार्टफुलनेस ध्यान में करा जाता है। इस ऊर्जा को दुनिया की अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग नाम से जाना गया है। ये इतनी सूक्ष्म है कि इसे ऊर्जाहीन ऊर्जा भी कहा जा सकता है। तो आइए करते हैं ध्यान दाजी के साथ। नमस्ते, मैं आप सभी को ध्यान का अनुभव करवाना चाहता हूँ। ध्यान के बारे में बहुत कुछ बताना, खास करके कि हम ध्यान क्यों करते हैं, मैं उसके पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ध्यान का महत्व क्या है, उससे फ़ायदा क्या होता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है, समस्या वहाँ आती है कि ध्यान कैसे किया जाए, किस चीज़ पे किया जाए, कब तक किया जाए। ध्यान में जब विचार आते हैं उसका सामना कैसे करें। खास करके हमको कहा गया है कि ईश्वर पे ध्यान करो, लेकिन ये जब बात आती है ईश्वर पे ध्यान करो, तो उन पे कैसे ध्यान कर सकते हैं जिनको जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, उनका ख्याल कैसे करें। कहा गया है कि यदि मुझे पता ही है कि ईश्वर पे ऐसे ध्यान करना है और यही ईश्वर है, तो ध्यान करने की कुछ ज़रूरत है क्या? उस ध्यान को करने से पहले मैं आपको एक रिलैक्सेशन की मेथड सिखाऊंगा, जिसको आप कभी भी कर सकते हैं खुद पे, और आपका मन चाहे तो किसी और को भी आप रिलैक्स करवा सकते हैं। तो आप यदि तैयार है सब, तो हम शुरू करते हैं कैसे रिलैक्सेशन किया जाता है। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि यह स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें, ऊपर से नीचे तक। अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें
कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें, फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें, हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें। जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि आप बाहर आने को तैयार हैं। अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान में वही पोजीशन में हमें बैठना है, वही आसन में बैठना है जो हमें सुख दे, उससे कोई तनाव न हो, स्थिर हो, सुख दे, ऐसा आसन में बैठना है। कई लोग लोटस पोस्चर बोलते हैं, जैसे अपने पलाठी बोलते हैं, इस तरह बैठ सकते हैं या कुर्सी में भी बैठ सकते हैं या सोफा में भी बैठ सकते हैं। हमें पीठ पे लेट के बैठ ध्यान करना अच्छा नहीं है, क्योंकि लेटे लेटे हम ध्यान करेंगे तो नींद आ सकती है। आपने कभी ना कभी तो ध्यान किया होगा प्राणाहुति के बिना, लेकिन जब मैं आपको ध्यान कराऊंगा प्राणाहुति के साथ तब आपको कैसा अनुभव होता है उसको आप नोट कीजिए, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। आइए ध्यान शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें।
अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ें, स्वयं का अवलोकन करने के लिए थोड़ा समय लें। अब ये सुझाव लें कि आपके हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है और ये आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। धीरे से उस एहसास में स्थिर होने की कोशिश करें। यदि आपको लगे कि आप अन्य विचारों में बह रहे हैं तो उनसे जूझें नहीं और नहीं उन पर ध्यान दें, बस उन्हें रहने दें। खुद को फिर से ये याद दिलाएं कि आप अपने हृदय में दिव्य प्रकाश के स्रोत पर ध्यान कर रहे हैं। स्वयं को ज्यादा से ज्यादा अपने अंतस्थ में लीन होने दें। अगले 20 मिनट के लिए इसी एहसास के साथ बने रहें।
अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। आपने अभी अभी जिस दशा का अनुभव किया है उस पर गौर करें और उसका आनंद लें। इस दशा को अपना हिस्सा बन जाने दें। इस दशा को अपने भीतर बनाए रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप जब भी चाहें इसी तरह ध्यान कर सकते हैं और धीरे धीरे ध्यान की अवधि को 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। इस आंतरिक यात्रा के एहसास को आप संजो कर रखेंगे। तो अपनी एक डायरी जब हर दिन हम लिखते हैं तो एक तरह की हमारी प्रगति की एक चार्ट बन जाता है। यदि हम कुछ अनुभव करते हैं ध्यान के दरमियान, अब 2 दिन के बाद सोचेंगे कि हमको वो कैसा अनुभव था, अब भूल जाएंगे, अब कुछ बता नहीं पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हर दिन अलग अनुभव हो और एक अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर हो। लेकिन ये अनुभव क्या सिखाता है? यदि ध्यान में हमें कभी भी अनुभव नहीं होता तो कैसा ध्यान कि जिसमें अनुभव न हो। प्राणाहुति की वजह से हमें ज़रूर अनुभव होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जैसे हम परेशान हो जाते हैं, कितने अनुभव करेंगे। जब ध्यान ध्यान ही नहीं रहा, उसके आगे बढ़ जाते हैं हम, कुछ करने का नहीं होता है। जब कुछ करने का नहीं होता है, कुछ पाने का नहीं होता है, तो हमको लगता है कि बस अभी हम ध्यान की अंतिम सीमा तक पहुँच गए। लेकिन ध्यान में कोई अंतिम सीमा नहीं आती। जो असीम है उसकी अंतिम सीमा कैसे? तो चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे साथ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड नमस्कार। अक्सर कहा जाता है कि जो नियति में है वो ही होगा, लेकिन क्या हम अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं? इस सवाल पे मानव जाति ने हमेशा चिंतन किया है। अपनी पहली पुस्तक द हार्टफुलनेस वे की सफलता के बाद दाजी ने लिखी डिजाइनिंग डेस्टिनी या नियति का निर्माण। इस अनोखी पुस्तक में दाजी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने आप अपने भाग्य का निर्णय ले सकते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सुझाव सरल और व्यवहारिक हैं। आस्था चैनल के इस कार्यक्रम दाजी के साथ ध्यान में दाजी ने हमें हार्टफुलनेस के अभ्यास के बारे में बहुत कुछ बताया है। डिजाइनिंग डेस्टिनी पुस्तक में उस अभ्यास को और गहरा करने के अनेक तरीके बताए गए हैं। सभी को इस अनोखी पुस्तक का लाभ उठाने का निमंत्रण है। डिजाइनिंग डेस्टिनी, नियति का निर्माण। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।